प्यारे बच्चे नमस्कार, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक जिसका नाम है पोस्टर। ठीक है ना, जैसा मैंने अभी शुरुआत में आपको पोस्टर दिखाई होंगी वो बहुत ही प्यारे नेचुरल पोस्टर थे। इसी प्रकार से जब किसी को शिक्षा देनी हो या किसी से संबंधित कोई भी हमें जानकारी देनी हो तो हम पोस्टर के जरिए वो बातें दूसरों को बताते हैं। ठीक है ना, तो ये पोस्टर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं, हमने एक आपके लिए टॉपिक लिखा है उसको आप पहले देख लें। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। तो अपनी हैडिंग डली हुई है पोस्टर डिजाइन, यानी बहुत अच्छी सी डिजाइन बनाइए एंड अट्रैक्टिव, यानी कि एक आकर्षित करने वाले है ना, एंड इंस्ट्रक्टिव यानी निर्देशित करने वाली या फिर शिक्षा देने वाली है ना। पोस्टर यानी कि जिस सारी चीज़ें काम में एक पोस्टर के अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है ना, ऑन बिहाफ यानी की तरफ से, ऑन बिहाफ का मतलब होता है जब किसी की तरफ से अपन करते हैं ना कोई काम तो वहाँ पे बिहाफ का प्रयोग करते हैं। तो बिहाफ ऑफ इंदौर पुलिस यानी इंदौर पुलिस की तरफ से। ठीक है ना, टू एजुकेट यानी कि शिक्षित कीजिए एंड वार्न यानी चेतावनी दीजिए यानी चेताइए ताकि सामने वाला से व्यक्ति सावधान रहे है ना। द पीपल यानी लोगों को अगेंस्ट माने के खिलाफ, इन अनक्लेम्ड ये प्यारा सा शब्द है, देख लीजिए जिन चीज़ों पर अपना खुद का अधिकार नहीं होता उसको हम अनक्लेम्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनक्लेम्ड, जिस पे अपन का कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है ना, आर्टिकल्स यानी कि वस्तुएं, ये आर्टिकल ए एन दा वाला नहीं है, आर्टिकल का मीनिंग होता वस्तुएं, जैसे लाइट वाले जैसे कैसे डॉल्स यानी गुड़िया वगैरह डली हो, टिफिन बॉक्स डले हो, सूटकेस डले हो, बैग्स हो, ट्रांजिस्टर हो। ट्रांजिस्टर एक छोटा सा रेडियो का रूप होता है, एक छोटा टाइप का जो आता है ना उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। मोबाइल है ना, लाइन यानी पड़े हुए हो यानी डरे मिल जाए, रास्ते में डले रहते हैं, यहाँ वहाँ रखे होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें है ना लाइन बोलते हैं उसके लिए। कहाँ पे? पब्लिक प्लेस में, ट्रेन में या बस में। ठीक है ना, तो चलिए हमें इंदौर पुलिस की तरफ से आपको क्या करना है, एक पोस्टर बना के देना है ताकि पीपलों को हम है ना जागरूक कर सके कि भाई आप इन चीज़ों से सावधान रहे। तो चलिए देखते हैं आंसर में। इफ यू आर अवेयर, यदि आप सावधान हैं, इफ यानी यदि, यू यानी आप, आर मान है अलर्ट माने सावधान, यदि आप सावधान हैं, यू कैन अवेयर तो आप रोक सकते हैं क्या, यू कैन अवेयर यानी आप रोक सकते हैं, क्या रोक सकते हैं, आप बम ब्लास्ट, बम है ना, एक बम ब्लास्ट तो है ना। वेन यानी जब, यू यानी आप, नोटिस वाले ध्यान दें, एनी यानी कोई भी, अनक्लेम्ड यानी जिस पर अपना खुद का अधिकार ना हो, आर्टिकल्स यानी वस्तुओं पर, यानी जब आप ऐसी चीजें हैं जिस पर आपका खुद का अधिकार ना हो, यहाँ वहाँ रखी हुई हो या डली हो है ना, तो ऐसी चीजों पर, जैसे ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन में से देखी है प्यारे बच्चों, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी की पूरी लाइन आपको ये लिखिए, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, किसमें से? क्वेश्चन में से हमने उतार दी है, कुछ नहीं करना, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नाम ये देखो क्या लिखा है, इन आ पब्लिक प्लेसेस, तो कहाँ लिखा है भाई, देखो ये लिखा है आपका इन पब्लिक प्लेसेस, ट्रेंस तो ये लिखा है अपन ने ट्रेंस, बसेस तो ये लिखा है बसेस, लिखा ना क्वेश्चन में से। ठीक है ना, चलिए क्या है, इमीडिएटली, इमीडिएटली माने तुरंत, कॉन्टेक्ट यानी संपर्क करें, नियरेस्ट वाले बिल्कुल नजदीक में। ठीक है ना, इमीडिएटली यानी तुरंत, कॉन्टेक्ट यानी संपर्क करें, नियरेस्ट वाले बिल्कुल पास में जो हो, क्या हो, पुलिस स्टेशन, यदि पुलिस स्टेशन नहीं है तो क्या करें, और डायल 100 यानी पुलिस टीम को अपन को सूचित करना है, तो क्या करें, डायल 100। ठीक है ना, हेल्प इंदौर पुलिस, इंदौर पुलिस की मदद कीजिए तो फिर क्या होगा बदले में, वी विल हेल्प यू, तो हम आपकी मदद करेंगे है ना। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन यानी एक डिजाइन बनाइए एंड अट्रैक्टिव यानी आकर्षित एंड अफेक्टिव और प्रभावित
पोस्टर यानी पोस्टर की अगेंस्ट मानने के खिलाफ, द यूज ऑफ ड्रग्स यानी कि ड्रग्स का उपयोग के खिलाफ। तो जो ड्रग्स होते हैं ना उसको नशीली दवाइयाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? नशीली दवाइयाँ या नशीले पदार्थ जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो देखिए अपन ने है ना एक बढ़िया सी डिजाइन बनाई है, आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ मैं। अपन ने लिखा आंसर, डू यू लव योर सेल्फ, क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? डू यू लव योर सेल्फ, क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? एंड योर फैमिली, और अपने परिवार से, है ना, आप अपने आप से प्यार करते हैं और अपने परिवार से प्यार करते हैं? यदि हाँ तब से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। तो ड्रग्स यानी नशीली दवाइयों को कहें ना, आज के बाद कभी नहीं, ठीक है ना। चलो तो देखिए अपन का क्या होता है, ड्रग्स यानी नशीली दवाइयाँ यानी नशीली पदार्थ, लीड टू यानी ले जाती हैं, डेस्ट्रक्शन यानी के विनाश की ओर, पूरा विनाश हो जाता है, गर्त की तरफ ले जाती हैं, हमारा कुछ नहीं रहता, पूरा शरीर बर्बाद हो जाता है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं, धन बर्बाद हो जाता है, सब कुछ, ठीक है ना। तो देखो क्या है, वेस्ट ऑफ माइंड, वेस्ट ऑफ टाइम यानी कि समय की बर्बादी, वेस्ट ऑफ मनी यानी कि धन की बर्बादी, फिर लॉस ऑफ फैमिली परिवार का नुकसान, फ्रेंड दोस्तों का नुकसान, हेल्थ स्वास्थ्य का नुकसान। तो ये सारे के सारे नुकसान होते हैं अपनी ज़िंदगी में, परिवार भी चला जाता है, फ्रेंड्स भी छोड़ के भाग जाते हैं और अपना स्वास्थ्य भी गिर जाता है, अपन इतने हेल्दी नहीं रहते नशा की वजह से। चलिए पर यहाँ पे क्या है, देखिए टेंशन होती है, फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग, और किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता, कोई कितना भी काम करवा लो, कुछ भी करवा लो, मन ही नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा मन कहाँ रखा, उन नशीली पदार्थों की वजह से हमारा मन वही रखा है और कहीं नहीं रखा, ठीक है। तो देखिए प्यार बच्चों, ये हमने पोस्टर में कुछ और चीज़ें दी और जोड़ी हैं, जैसे ये सिगरेट है तो सिगरेट लिख दिया बेटा, ये लीकर है तो लीकर लिख दिया, ये आपका कैप्सूल और ये टैबलेट वगैरह जो होती हैं, ये नशीली दवाइयाँ होती हैं, है ना। तो ये नशीली दवाइयाँ भी हमने कर दी, तो आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही डिजाइन वाला अपन ने पोस्टर बनाया है, इस प्रकार का आप भी पोस्टर बनाइए, ठीक है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।